बोलो मिठू पपी दो। चलो अब चलते हैं बेटा, चलो देखते हैं किधर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप सोनी ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और अभी फिर से रेडी हो गए हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही कि इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, तो आज बारिश रुक गया है। तो हम लोग तो घर में ऐसे कुछ कुछ करते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, कभी बाहर भी चल जाते हैं, कभी घर में ही कुछ बना के खा पी लेते हैं, तो हम लोग का इंजॉय अच्छे खासा हो जाता है। और बहुत सारे जितने भी हम लोग का यूट्यूब फैमिली है, हम लोग का वीडियो देखते हैं, उन लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग के घर में 3 पैरट है। तो आज हम लोग वो लोग को भी घुमाने बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि बारिश बारिश में वो लोग भी घर घर में लगता है बोर हो गया है। तो अभी हम और किशन का पापा लेके चल रहे हैं घूमने, क्योंकि बच्चा लोग तो स्कूल गया हुआ है, तो वो लोग आज हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो आज हम और किशन का पापा लेके जाएंगे घुमाने, और इधर किशन का पापा भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हम लोग इस टाइप से ले जाते हैं, कोई कैरी करने के लिए तो हम लोग के पास है नहीं। हाँ, इसमें अच्छा से रह लेता है मिठू और देखिए दोनों। तो दोस्तों ये लोग बिल्कुल बदमाशी नहीं करता है, और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि उसमें डालने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें कंफर्टेबल जाता है और आता है, और आप लोग को दिखा देते हैं मिट्टू सबसे ज्यादा बदमाशी है। अभी ये डाले चलो कह के तो देखिए फिर से निकल गया और बैठ गया। मिट्टू चलो घूमने, मिट्टू देखो सब आराम से है। हाँ तो चलिए दोस्तों, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं ये लोग को। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लोग फिर से वही ग्राउंड, और अभी आने के बाद धूप जो लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कहे कि हम लोग का जो रूम है ना, एकदम ठंडा ठंडा रहता है, छाया जगह है ना, तो वहाँ पर इतना ठंडा लगता है कि तबाह हो जाते हैं, धूप मिलता ही नहीं है हम लोग को क्या जी। और इधर देखिए हम लोग का मिठू लोग भी आया, तो काफी अच्छा फील कर रहा है। देखिए क्या है रोकी, ये दोनों तो निकलना ही नहीं चाह रहा। हरी बताओ तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं? हैरी बोलो, हैरी अच्छा लग रहा है बाबू, हाँ लग रहा है ना। और रोकी तुमको, अरे इधर देखिए मिठू तो सोनी का पैर में बैठ गया है, कहे कि उसको मम्मीये चाहिए। इसका एक चीज देखते हैं, इसको ना बाहर में बहुत डर लगता है, बाहर से डरता है। हाँ, बाहर निकालते हैं लेकिन ये इधर उधर घूमता भी नहीं, इसको सिर्फ आदमी ही चाहिए होता है। अभी ये लोग को भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाहर निकालते हैं घुमाने के लिए ना, इसीलिए। तो अभी घूमेगा एक आध घंटा, उसके बाद फिर हम लोग घर लेके। अब मिठू तो नहा लिया है, हैरी और मिठू दोनों नहा लिया है, खाली रोकी नहीं नहा है ना रोकी। हाँ। तो थोड़ा अभी सबको धूप तपने दे, और इस सबको छोड़ के भी हम लोग इधर उधर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ना कि जो एक शिकारी वाला चिड़िया जो आता है ना, वो उड़ा के ले जाएगा इसको। उसका नाम है क्या, बाज है ना, बाज रहता है, तो वही देखिए अभी मस्त। तो दोस्तों पता नहीं ये सब धूप में आता है ना, तो अपना बाल उल बनाने लगता है। देखिए मिठू भी अपना बाल उल बना रहा है, तीनों का तीनों बिजी है। उधर रोकी भी अपना, और उधर रोकी उधर है, देखिए पूरा अपना बाल उल बनाने के लिए एकदम, पता नहीं कैसे धूप ही सबको अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये लोग को हम लोग घुमाने के लिए लाए हैं, तो ये लोग घूमने छोड़ कर बस अपना पता नहीं क्या खुजलाने करने में तीनों का तीनों बिजी हो गया है। हम सोचे थोड़ा सा घूमेगा इधर उधर, लेकिन ये लोग घूमने वाला में से नहीं है, सब देखिए बिजी है। अभी थोड़ा देखते हैं ये लोग क्या क्या करता है। हम लोग चलेंगे घर, और देखिए मिठू अभी उसका मम्मी जिधर जा रही है बस उधर ही जा रहा है। देखिए चलो मिठू, देखिए अपना मम्मी के पास जा रही है। आजा मिठू, आजा आजा बेटा। हाँ किसके तरफ आएगा पापा, कंफ्यूज हो गया, अब नहीं आएगा, तुम इधर आओ इधर आओ। अच्छा मिठू आजा, दौड़ो 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 दौड़ो, जल्दी आओ। देखिए कैसे चलता है, उड़ने सीखा नहीं ना, उड़ता ही नहीं है। आजा मिठू आ जाओ, उड़ के आओ, तुमको उड़ने सिखा रहे ना।
तू पूरा सीख जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे। आओ आ जाओ, बहुत डर है वहाँ से भी नहीं उड़ पाता। इधर आओ, घास रास्ता चेंज कर लिया। आ जाओ चलो चलो अब घर चलते हैं, दीदी सब आएगी ना। आ जाओ पापा का मैं आओ। हाँ चलो, ये आ जाता है, बाकी वो दोनों नहीं आएगा। तुम लोग को नहीं आना है, चलो तुम लोग। काफी धूप है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, काहे कि किशन और परी भी स्कूल आ जाएगी स्कूल से, तो हम लोग जल्दी पहुँचते हैं और ले लेते हैं सबको भी। मिठू पपी दो। चलो अब चलते हैं बेटा, चलो पपी चलो चलो चलो, ये सब जाने नहीं चाह रहा है धूप से लग रहा है ना। हमको भी अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं। तो तुम लोग यहीं रहो, हम चलते हैं। लेकिन अभी परी किशन का भी टाइम हो गया है, तो अभी चलेंगे हम लोग को लेने के लिए घर। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पर से हम लोग चलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और देख रहे हैं ना मिठू अपना अभी आराम लग रहा होगा उस सबको, और रोकी तो अंदर भाग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट से कुछ कुछ सामान लेना है, और किशन परी भी अभी घर आ चुके हैं, तो चलिए मार्केट के लिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं किशन और उसका मम्मी दोनों जा रही है सब्जी खरीदने, कुछ कुछ लेना है। हम इधर गाड़ी लेके खड़ा है क्या। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं लहसुन, देखते हैं किधर है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना हम लोग पूरा सब्जी वगैरह सब खरीद के ले आए हैं क्या किशन, और चलेंगे कहाँ अभी। अभी थोड़ा सा किशन बोल रहा है कि यहाँ पे मछली देखना है ना। हाँ तो वहाँ थोड़ा सा घूमेंगे बोल रहा है, तो अभी वहीं थोड़ा सा किशन को घुमा देंगे। तो चलिए 5 मिनट खाली, बस बगल में ही है देखिए, यही वाला है मछली घर, तो इसी में जाएंगे और किशन को दिखाएंगे अलग अलग कलर फिश का बेटा। चलिए चलते हैं दोस्तों, हम लोग का सबसे पहला वीडियो यही बनाए थे फिश मार्केट जो है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा लोग आया है, और यहाँ आइए आपको फिश भी दिखाते हैं। हाँ सोनी किशु देखो फिश, एक सेकंड देखिए। तो यहाँ देखिए सब कलर का यहाँ फिश दिखेगा आप लोग को, पहले भी एक बार हम दिखा चुके थे आप लोग को, एकदम करीब से दिखा देते हैं। किशन देखा ना, मस्त लगा ना। तो सबको दाना भी देने से सारा फिश ऊपर आ जाता है, सब कलर का अलग अलग था ना किशु। और यहाँ भी है, यहाँ फिश जो भी मछली कैसे पालता है वह इसका प्रशिक्षण केंद्र है क्या किशु। यहाँ चलेगा है छोटा छोटा छोटा, मत जाओ उधर किशु, मत जाओ। तो दोस्तों इधर इधर शायद मछली का वो अंडा का पालन होता है ना, अंडा, और अभी सीप जो होता है। हाँ, सीप का होता है यहाँ, अभी नहीं लगा हुआ है, और हम लोग अंदर नहीं आ रहे थे, लेकिन किशन बोल रहा है कि अंदर चलना है, तभी देखते हैं, पता नहीं अंदर घुसने देता है कि नहीं। एक बार तो आए थे तो हम लोग पूरा अंदर तक गए थे, लेकिन अभी काफी दिन हो गया है, तो चलिए देखते हैं घुसने देता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जलपरी बना हुआ है, मछली का स्टेचू बना हुआ है यहाँ। और जो आगे देख रहे हैं कलर ना, कुआं कुआं जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू टाइप से, उसमें मछली का अंडा छोड़ा जाता है, यहीं से सब कोई ये करता है। नहीं है किशु, आओ दिखाते हैं अंदर में घुसो, देखो कितना बड़ा है इसका नाम। देखिए किशन आगे देखो, सबसे छोटा मछली तो यहाँ है, और इधर देखो उसका, देखो तुमको देख के कुछ अंगुली करे तो देखो तो छोनी वो काट लेगा, हाथ काट लेगा, वो बहुत बड़ा है वो। यहाँ पर शिक्षण होता है मछली कैसे पालते हैं, और भी था वो तो दिखा दिए क्या किशु, और भी था लेकिन अभी बाहर में है, चलो दिखाते हैं। यही सब है यहाँ, ओस्कर ज्यादा
लग रहा है तो ये है मगरमच्छ को क्रोकोडाइल टाइप से। दोस्तों चलिए अब चलते हैं घर के लिए, किशन पूरा घूम कर देख लिया फिश। दोस्तों देख सकते हैं किशन को उतना बड़ा हो गया है, देख तो क्या छोटा ही रहेगा क्या क्या बेटा मेरा बराबर का हो गया है किशन। तो दोस्तों अभी हम लोग पूरा मछली मार्केट घूम के अभी बैठे हुए हैं, अभी तालाब के बगल में बैठे हैं। देखिए इतना शांति आपको कहीं नहीं मिलेगा, और अंदर किशन को भी थोड़ा घुमा दिए। और दूसरा क्या है ना कि हम लोग आप लोग से कुछ बात भी करना था कि भाई ये जो परी का जो कल बर्थडे था उसमें भी कमेंट आ रहा कि कुछ आप लोग कीजिए और रंगीला फैमिली को क्यों नहीं बुलाएं। तो रंगीला फैमिली को हम लोग इसलिए नहीं बुलाएं कि हम लोग घर का अगल बगल भी मेरा रिलेशन में है, किसी को नहीं बुलाएं, कहे कि पैसा रहे तो आदमी पार्टी करेगा और पार्टी तब होता है जब पैसा रहेगा। तो भाई पैसा नहीं था तो छोटा सा बच्चा को खुश करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा केक काट दिए और बस उसी में हम लोग ये कर दिए। क्या सोनिया जो काम के लिए हम लोग को जो कर रहे थे कि दिलीप भाई आप कुछ काम ढूंढिए और दूसरा काम कीजिए, तो शायद वो काम के लिए भी हम अप्लाई किए हुए हैं, आप लोग को जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है हम रांची जल्दी छोड़ने वाले हैं, अगर मेरा वो काम सेटलमेंट हो जाता है तो हम रांची जल्दी छोड़। और ऐसे जॉब के अलावा कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते हैं, नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे। तो अभी काम चलाओ वाला कर ले रहे हैं, लेकिन टेम्पररी कर रहे हैं, दो चार रुपए में कुछ आगे लाइफ को देखते हुए हम लोग बहुत जल्दी कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले, वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब आप लोग छोड़ दीजिए, क्यों यूट्यूब में टाइम कर बर्बाद कर रहे हैं, क्या नौटंकी करते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब सुन के कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि अरे भाई YouTube में नौटंकी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर नौटंकी करते तो अभी हम लोग को व्यू काफी रहता। और दूसरा क्या है ना जो हम लोग ना अपना जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं उसको ना हम लोग बरकरार रखने के लिए यूट्यूब में हम लोग सोच रहे हैं कि रखेंगे। और दूसरा क्या है ना कि अगर हम लोग फेक वीडियो बनाते ना तो अभी हम लोग का भी ज्यादा व्यू आता, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सोच रहे कि नहीं जो लाइफ में हो रहा है वही करेंगे। आप लोग तो देखे होंगे बहुत तरह तरह का आदमी व्यू पाने के लिए काम करता है, जो कि आपको देखिएगा कि जंगल झाड़ यहाँ वहाँ दौड़ना तो वो सबका व्यू आता है, लेकिन हम लोग तो भाई यहीं तक सीमित हैं। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं कितना दिन तक अब YouTube में है, क्योंकि अभी हम लोग अभी एक साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं है। कंपनी के बाद में हमको लगा YouTube से पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ लोग तो देखने में भी आप लोग बोल देते हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, तो भाई नौटंकी हम लोग थोड़े कर रहे हैं, नौटंकी करते तो आप लोग को दिखता ही है, लेकिन वैसा बात नहीं है। और बहुत ज्यादा नहीं, एक आध आदमी जो रहते हैं वो सब बोल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भैया जी आप समझिए हम लोग का परिस्थिति को और वैसा कमेंट कीजिए। दिन भर मेहनत करते हैं उसके बाद एक वीडियो बनता है, कृपया आप अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा सब कीजिए। एक ही कमेंट रहता है ना सो दिल में लग जाता है, यही सब सोचते हैं। टेंशन नहीं लेना, देखिए मेरे साथ में क्या है ना, देख के आप लोग को अभी भी नहीं लग रहा है कि दिलीप को कोई टेंशन है, जो कि कुछ रहे या ना रहे उसे मतलब नहीं है। टेंशन में क्या होना है, बस अपने आप को बीमार बनाना है, तो हम क्यों बीमार बनाएं, हंसते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और जो नया है वो मेरा वीडियो में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।